ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं उसमें सेल्स की मल्टीपल लेयर होती हैं। यह जो टिश्यूज होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम एक होती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और एक होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इस प्रकार से लिखने का रीजन यह है कि हम यहाँ पे दोनों के ही फीचर्स देखेंगे और दोनों में ही डिफरेंसेस भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम दोनों ही मल्टी लेयर होती हैं, लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंट है। इसमें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में जो लेयर होती है सेल्स की वह ज्यादा होती है। ठीक है, 5 to 8 सेल लेयर होती हैं। ठीक है, जबकि जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है उसमें जो सेल लेयर है वह कम होती है, इट्स अराउंड ओनली 4 to 5 लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, दूसरा यह जो है लेस स्ट्रेचेबल होती है, जबकि जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है इट इज वेरी इलास्टिक एंड मोर स्ट्रेचेबल। ठीक है, तो यह लेयर थिक होगी, लेस स्ट्रेचेबल होगी। ठीक है, अब यह कहां पाई जाती है, तो यह टेट्रापोड्स में एपिडर्मिस जो होती है आउटर लेयर, दैट मींस स्किन, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, स्किन की सबसे जो आउटर लेयर है उसे एपिडर्मिस कहते हैं, फिर डर्मिस आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से टेट्रापोड्स दैट मींस वर्टिब्रल वर्टिब्रेट्स में भी वे जीव जिनमें की 4 लिम्स होती है उन्हें टेट्रापोड्स कहा जाता है। ठीक है, तो टेट्रापोड्स में जो सबसे आउटर लेयर होती है स्किन की जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है वह फॉर्म होती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से। ठीक है, जबकि ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है वह यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती है। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का जो फंक्शन है वह क्या है, तो चूंकि यह लेस स्ट्रेचेबल होती है और थिक होती है तो यह प्रोटेक्शन का काम करती है। साथ ही हमें पता है कि स्किन की लेयर है तो यह प्रोटेक्ट करती है बॉडी को, साथ ही प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, ये जो लेयर है ये वाटर प्रूफ होती है और साथ ही वाटर का जो लॉस है बॉडी से वह यह प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो दैट इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। वही ट्रांजिशनल एपिथेलियम का फंक्शन क्या है, बीइंग इलास्टिक ठीक है इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ यूरिन इन यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, क्योंकि जो ब्लैडर होता है यूरिनरी ब्लैडर जिसमें कि यूरिन जो है फॉर्म होके यूरेटर्स के द्वारा, यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर किस प्रकार से फॉर्म होते हैं, ठीक है ये जो है इस प्रकार से किडनीज होती हैं, बीन शेप की होती है हमें पता है। ठीक है, इसमें से यूरेटर निकलता है, दोनों किडनी से यूरेटर जो है यह ज्वाइन होता है किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये जो यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर है ठीक है, इसमें क्या होगा कि यूरिन जो है वो यहां से फॉर्म होके और ब्लैडर में आएगी, तो ब्लैडर जो है वह इलास्टिक होना चाहिए सो दैट जब यूरिन उसमें आए तो वो उसे स्टोर कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार बीइंग इलास्टिक इट हेल्प्स यूरिनरी ब्लैडर टू स्टोर
द यूरिन. ठीक है, तो इस प्रकार से इट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम. ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार यूरिनरी ब्लैडर को डायलेट होने में, डायलेट करने में ये हेल्प करती है. ठीक है, तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इसका एक स्ट्रक्चर हम देख लें किस प्रकार से होती है. स्ट्रेटिफाइड देखते हैं जो स्किन की लेयर होती है. ठीक है, इरेगुलर शेप होता है इसमें सेल्स का. ठीक है, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है, तो इस प्रकार मल्टीपल लेयर देख सकते हैं आप रहती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, यहाँ देख रहे हैं हम. और इस प्रकार से मल्टीपल लेयर होने की वजह से थिक होती है यह लेयर. ठीक है, और साथ ही वाटर प्रूफ होती है. इसकी अपर लेयर जो है स्किन की यूजुअली जो है डेड होती है. ठीक है, ठीक है, और अपर लेयर जो है इस प्रकार से डेड सेल्स की होती है जिसे स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं. ठीक है, तो इस प्रकार से स्ट्रेटम कॉर्नियम जो कि डेड लेयर होती है, हॉर्नी लेयर, ठीक है, जो सेल्स हैं यहाँ की वो हार्ड होती हैं. ठीक है, एंड बीइंग डेड, ठीक है, वो जो लेयर है वह वाटरप्रूफ भी होती है और जो है स्ट्रेटम कॉर्नियम कहलाती है. ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम. ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एपिथीलियल टिश्यू, सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू हमने देखा. ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव डन विद एपिथीलियल टिश्यू. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टिश्यू एंड दैट इज मस्क्यूलर टिश्यू. ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे द नेक्स्ट एनिमल टिश्यू एंड इट इज मसल टिश्यू. ठीक है, मसल टिश्यूज जो हैं मसल सेल्स से फॉर्म होते हैं और यह मसल सेल्स जो होती हैं ये इलोंगेटेड होती हैं और फाइब्रस होती है, इसलिए इन्हें माइक्रोफिब्रिल भी कहा जाता है. फाइब्रस होती है, दैट मीन्स प्रोटीनस फाइबर्स इसमें रहते हैं और ये इसमें जो है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है. ये प्रोटीन जो होते हैं यह कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं. ठीक है, मसल सेल्स की खास बात ये होती है प्रॉपर्टी कि वह जो है कंडक्टिविटी होती है इनमें और एक्साइटेबिलिटी होती है. ठीक है, इसका क्या मतलब है, जो हमारे नर्वस टिश्यू हैं वे क्या करते हैं, नर्व इम्पल्सेस जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं. नर्वस टिश्यू जो है मसल्स को भी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं और इस प्रकार मसल्स जो है, मसल सेल, उनमें प्रॉपर्टी होती है एक्साइट होने की और कंडक्ट करने की. दैट मीन्स कि नर्व्स जो इनको इम्पल्स कंडक्ट करते हैं यह उसकी वजह से एक्साइटेबल हो जाती हैं, एक्साइट हो जाती हैं और उसकी वजह से इनमें कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है. तो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ मसल फाइबर, कंडक्टिविटी, एक्साइटेबिलिटी एंड ऑल्सो कंट्रैक्टिलिटी. ठीक है, कि ये कंट्रैक्टाइल होते हैं. ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, तो मसल सेल्स जो है इलॉन्ग, इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, इलॉन्गेटेड होते हैं. ठीक है, और इनका जो सार, जो इनका साइटोप्लाज्म है वह भी कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और उसे कहते हैं सार्कोप्लाज्म. ठीक है, इनकी जो आउटर कवरिंग होती है मेम्ब्रेन कहलाती है सार्कोलेमा. ठीक है, तो
ये जो यूजुअली इनकी प्रॉपर्टी है मसल फाइबर्स की, इलॉन्गेटेड होते हैं, स्पिंडल शेपर्ड हो सकते हैं, फाइबर लाइक होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जिसे कि क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म कहते हैं। साथ ही ठीक है, जो इनमें मायोफिब्रिल्स जो रहते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, ठीक है। तो मसल सेल एलोंगेटेड होती हैं जिनमें मायोफिब्रिल्स कंटेन रहते हैं। मायोफिब्रिल्स जो हैं उन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी के होते हैं, वह कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर्स, एलोंगेटेड होते हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म है सार्कोप्लाज्म कहलाता है, इनकी जो मेम्ब्रेन है कवरिंग है वो सार्कोलेमा कहलाती है, इनमें मायोफिब्रिल पाए जाते हैं मायोफिब्रिल्स, और वे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें मायोफिब्रिल्स कहते हैं, ठीक है। ओके सॉरी, ठीक है। चूंकि इनमें फाइबर्स होते हैं तो इन्हें मसल सेल को मसल फाइबर्स भी कहा जाता है, ठीक है, नॉट द माइक्रोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स जो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मसल सेल में पाए जाते हैं, और एक मसल सेल को इसलिए मसल फाइबर भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये जो मायोफिब्रिल्स होते हैं किससे बने होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन से, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये जो मसल टिश्यू हैं यह भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। इनके तीन टाइप्स हैं, एक होता है स्ट्रिएटेड मसल टिश्यू, एक होता है स्मूथ मसल टिश्यू, और एक होता है, ठीक है, स्ट्रिएटेड स्मूथ है कार्डियक मसल टिश्यू, ठीक है। तो इस प्रकार ये तीन टाइप के होते हैं, स्ट्रिएटेड मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रिएटेड मसल्स जो हैं वह किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं स्ट्रिएटेड मसल्स। स्ट्रिएटेड मसल को स्ट्रिप्टेड मसल्स भी कहते हैं, साथ ही इन्हें वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, साथ ही इन्हें स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। क्या रीजन है इन सब के कहने का वह मैं बताऊंगी, ठीक है। स्ट्रिएटेड मसल्स जो होते हैं यह बंडल्स में होती हैं, ठीक है। स्ट्रिएटेड मसल्स टिश्यू जो होते हैं वे मायो जो मसल फाइबर्स होते हैं उनके बंडल्स होते हैं, और इन बंडल्स को कहते हैं फैसिकुलाई, ठीक है। यदि हम देखना चाहें एक स्ट्रक्चर तो किस प्रकार का होता है, इस प्रकार से डिफरेंट बंडल्स में रहते हैं, ठीक है। और इसमें से यदि हम एक मसल देखेंगे तो किस प्रकार से होगी, इस प्रकार से, ठीक है। एक मसल फाइबर्स जो है इस प्रकार से होगा, यह जो है यह क्या है, फैसिकुलाई, बंडल ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। यह है सिंगल मसल फाइबर, ठीक है। ये जो मसल फाइबर्स होते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स, इनमें बैंड्स दिखाई देते हैं, ठीक है। दे हैव बैंड्स और स्ट्रिप्स कह लें इसको, या स्ट्राया कह लें, और इसी स्ट्राया या स्ट्रिप्स की वजह से इन्हें स्ट्रिएटेड मसल, ये आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है स्ट्रिप्स। तो इस प्रकार से ये दिखता है, इसलिए इन्हें स्ट्रिप्टेड मसल या स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो मसल्स फाइबर होते हैं इसका साइटोप्लाज्म कहलाता है सार्कोप्लाज्म, और इसकी लेयर जो आउटर लेयर है कवरिंग जो है वो कहलाती है सार्कोलेमा। ये जो सेल्स होती हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं,
मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब कि इनमें जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, मोर देन वन न्यूक्लियस होता है, साथ ही इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटेड मसल्स हैं इसका अब हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, दूसरा ये मसल्स वॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं क्योंकि ये मसल्स जो हैं वी कैन कॉन्ट्रैक्ट दीज मसल्स अकॉर्डिंग टू अवर विल। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड इज वॉलेंट्री मसल बिकॉज एनिमल कैन कॉन्ट्रैक्ट देम अकॉर्डिंग टू द विल, अपनी इच्छा अनुसार हम चाहे तो हम इन्हें मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं अपना हैंड मूव करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, ये जो मसल्स है हैंड्स की ये मेरे जो है वॉलेंट्री कंट्रोल में है, ये मेरी इच्छा के कंट्रोल में है। ठीक है, तो ये मसल्स होती हैं वॉलेंट्री मसल जो हम अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। ये मसल स्केलेटल मसल्स भी कहलाती हैं बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द स्केलेटल ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, जैसे हमारी जो बोन्स है, अब जो मेरे हैंड्स की बोन्स हैं उनसे मसल्स जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें कहा है स्केलेटल मसल, दे आर कनेक्टेड टू द बोन्स, attached to the bones. बोन्स से ये अटैच रहती हैं और इसलिए इन्हें कहते हैं स्केलेटल मसल्स। अब यदि एक स्ट्रक्चर इनका देखा जाए तो जैसा कि हमने देखा कि इन मसल्स में बैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार ये जो मसल्स होती है जब इसे ध्यान से देखा जाए माइक्रोस्कोप में तो इस प्रकार इसमें स्ट्रिप्स दिखते हैं, डार्क जोन्स, कुछ डार्क जोन्स और कुछ लाइट जोन्स दिखते हैं। ठीक है, जो डार्क जोन्स होते हैं, डार्क बैंड, उसे ए बैंड कहा जाता है, जबकि जो लाइट बैंड होता है उसे आई बैंड कहा जाता है। ठीक है, इस डार्क जोन में, इस ए बैंड में एक लाइट लाइन होती है, ठीक है, जिसे एच जोन कहा जाता है या एच लाइन। ठीक है, वही जो लाइट बैंड होता है उसमें एक डार्क लाइन होती है। ठीक है, इस प्रकार से उसे कहते हैं जेड लाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है इस वाले एरिया में जेड लाइन है। ठीक है, दूसरे एरिया में कहां पर जेड लाइन होगी, यह। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर में जो डार्क बैंड होते हैं, जो डार्क बैंड हमें दिखते हैं उन्हें कहा जाता है ए बैंड। ए बैंड में एक लाइट लाइन होती है उसे कहा जाता है एच जोन, एच जोन। ठीक है, वही जो लाइट बैंड होता है उसे कहते हैं आई बैंड, और उसमें एक डार्क लाइन होती है उसे कहते हैं जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच का जो स्पेस होता है उसे कहा जाता है सार्कोमियर। ठीक है, ऐसे ये जो है एक के बाद एक कॉन्सिक्वेंटली लाइट बैंड और डार्क बैंड रहते हैं। ठीक है, एक मसल फाइबर में और दो जेड लाइन के बीच का स्ट्रक्चर जो है जो कहलाता है सार्कोमियर। ठीक है, बिटवीन टू लाइन, टू जेड लाइन जो स्पेस होता है उसे कहते हैं सार्कोमियर। यह क्यों बता रही हूं मैं, क्योंकि जब मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इन दो जेड लाइन के बीच में वे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और इसीलिए सार्कोमियर जो है वो एक फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन की इन द मसल फाइबर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इनका जो स्ट्रक्चर है मसल फाइबर्स का रहता है। ठीक है,
ठीक है, तो हमने देखा कि स्केलेटल मसल फाइबर इन्हें कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स इन्हें कहते हैं, ठीक है, और इनकी खास बात क्या क्या है, बैंड्स होते हैं इसमें, और ये जो खुद जो है बंडल्स में रहती हैं जिसे फैसिकुलाई कहते हैं, ठीक है, इसका जो साइटोप्लाज्म है सार्कोप्लाज्म कहलाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं ये, इसकी जो कवरिंग है वो सार्कोलेमा कहलाती है, ठीक है, और एनिमल के कंट्रोल्स में रहती हैं ये मसल्स, ठीक है, इनका जो वे ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वह क्या है? तो ये जो मसल्स होती हैं, दे कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली, दे कैन कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली इमीडिएटली फॉर शॉर्ट पीरियड, दैट मीन्स दे कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली बट दे कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड. ये मसल्स फाइबर्स जो होते हैं दे गेट इजिली फटिग्ड, इनसे आप बहुत कंटिन्यूस लॉन्ग समय तक फंक्शन नहीं करा सकते. फॉर एग्जाम्पल, यदि हम अपने हाथों से कंटिन्यू कुछ काम कर रहे हैं तो हमारे हाथ जो है थोड़े देर बाद टायर्ड हो जाएंगे. वह क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं वो टायर्ड हो जाती, फटिग हो जाती हैं, ठीक है. लेकिन एस कंपेयर यदि आप कार्डियक मसल देखें, कार्डियक मसल वे मसल्स जो हार्ट में होती हैं, ये मसल्स कंटिन्यू जो है काम करती रहती है, पंप करती रहती है ब्लड को, लेकिन वे फटिग नहीं होती इजीली. तो दैट इज द डिफरेंस कि हमारी जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं, स्ट्रिप्टेड मसल्स हैं, वे फटिग जल्दी हो जाती है, दे गेट फटिग इजीली. लेकिन इनकी खास बात क्या है कि ये तुरंत इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट करने में ये हेल्प करती है, ये एबल होती हैं, ठीक है. तो सबसे पहला मसल टिश्यू हमने पढ़ा जो है स्ट्रेटेड मसल्स टिश्यू, ठीक है, जिसमें कि स्ट्रिप्स होती हैं, स्ट्रेटेड होती हैं, इनका इस प्रकार से स्ट्रक्चर हमने देखा. अब हम देखेंगे स्मूथ मसल टिश्यू, या इन्हें नॉन स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि नॉन स्ट्रेटेड इसलिए क्योंकि इसमें किसी प्रकार के बैंड्स नहीं पाए जाते. तो नाउ वी विल सी द स्मूथ मसल टिश्यू. ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे मसल टिश्यू नॉन स्ट्रेटेड और स्मूथ मसल टिश्यू, ठीक है. इसके पहले एक और बात बता दूं कि जो कि हमने देखा था स्ट्रिप्टेड मसल्स, तो स्ट्रिप्टेड मसल्स की पोजीशन क्या है, कहाँ कहाँ रहती है? एक तो मैंने बताया लिम्स में रहेगी क्योंकि स्केलेटल मसल्स है, साथ ही एब्डोमिनल मसल्स और फेरिंग्स मसल्स जो होती हैं, वो फेरिंग्स जो कि थ्रोट में होती हैं, दिज ऑल मसल्स आर स्ट्रिप्टेड मसल और वॉलेंट्री मसल, ठीक है. इनका फंक्शन क्या होता है? टू मूव फॉर लोकोमोशन, ठीक है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ठीक है, मूवमेंट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कैन स्पीक इट इज विद द हेल्प ऑफ माई फेरिंग्स मसल, इफ आई कैन स्वॉलो फूड इट इज विद द हेल्प ऑफ माई फेरिंग्स मसल, या इफ आई कैन लोकोमोट, इफ आई कैन वॉक, इफ आई कैन स्विम, तो ये सब बिकॉज ऑफ जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉलेंट्री मसल. तो दीज आर द फंक्शन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट इज द फंक्शन ऑफ वॉलेंट्री मसल, ठीक है. तो जस्ट नोट इट डाउन बिकॉज ये पॉइंट हमारे रह गए थे. नाउ वी विल सी द स्मूथ मसल टिश्यू. स्मूथ मसल टिश्यू की लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ रहती है ये मसल? तो ये जो मसल है सभी विसराज में रहते हैं, ठीक है. स्मूथ मसल टिश्यू को इनवॉलेंट्री मसल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन मसल्स का मूवमेंट कंट्रैक्शन हमारे विल में नहीं रहता, हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता, ठीक है. साथ ही इन्हें अनस्ट्राइटेड और अनस्ट्रिप्टेड मसल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनमें किसी प्रकार के बैंड्स नहीं होते जैसे कि स्ट्रिप्टेड मसल्स में पाए जाते हैं, ठीक है. विसराज, ब्लड वेसल्स, लंग्स में डायफ्राम जो होता है लंग्स के नीचे, डायफ्राम एक मसल है तो जो कि हमें रेस्पिरेशन, इनहेल और एक्सहेल में हेल्प करती है, तो ये जो मसल्स हैं इनमें रहता है स्मूथ मसल्स, ठीक है. इन का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है? तो ये जो है स्पिंडल शेप्ड रहती हैं, एक स्पिंडल शेप रहता है इनका, और ये जो है लेयर्स में रहती हैं, ठीक है. इनकी जो आउटर कवरिंग है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही होती है, ठीक.
ठीक है, तो इसका यदि एक स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस प्रकार से होगा, स्पिंडल शेप्ड, ठीक है, स्मूथ मसल सेल स्पिंडल शेप्ड होती हैं, इनमें लेयर में रहती हैं ये, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसकी कवरिंग होती है, ठीक है। साथ ही ये यूनिन्यूक्लेट होती है, जैसा कि हमने देखा कि स्ट्रिप्टेड मसल्स जो हैं वे कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, लेकिन ये होती है यूनि न्यूक्लिएटेड, ठीक है। साथ ही नो स्ट्रिप्स और बैंड्स, इनके ऊपर कोई स्ट्रिप्स या बैंड्स नहीं होते, दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स बिकॉज वी कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट देम अकॉर्डिंग टू विल, तो इसलिए ये हुई इनवॉलेंट्री मसल। मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, किस प्रकार इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये जो मसल्स होती हैं दे कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, जैसा कि हमने देखा था एज कंपेयर टू द स्ट्रिप्टेड मसल्स दे कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली, बट द स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट स्लोली बट दे कैन कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है। Doesn't get fatigued, ठीक है, फटिग नहीं होती जिस प्रकार से हमारी स्केलेटल मसल्स हो जाती हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है, जैसे कि हमें स्ट्रिप्टेड मसल लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, तो इन मसल्स का क्या काम है, तो जो विसरल मूवमेंट्स होता है उसमें ये हेल्प करती है। अब विसरल मूवमेंट किस प्रकार से हेल्प करता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल जब हम फूड खाते हैं तो फूड जो है हमारी इंटेस्टाइन के, हमारे स्टमक के मूवमेंट की वजह से आगे जा पाता है, और यह जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मूवमेंट होता है यह कहलाता है पेरिस्टेल्सिस। तो पेरिस्टेल्सिस में ये हेल्प करता है, और पेरिस्टेल्सिस जो है वेव लाइक मूवमेंट होता है डाइजेस्टिव गट का, और उस वेव लाइक मूवमेंट की वजह से फूड जो है वो आगे बढ़ता जाता है। उसी प्रकार रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, क्योंकि जो डायफ्राम की मसल है, जो मैंने कहा कि जो डायफ्राम होता है देखिए किस प्रकार से, ठीक है, ये लंग्स है, तो लंग्स के नीचे डोम शेप्ड मसल्स होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। जब ये डोम शेप मसल रिलैक्स होती है तो ये डोम शेप जो है इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो लंग्स की कैविटी है वो एक्सपैंड हो जाती है, तो लंग्स में एक्सपैंड होने की वजह से जो एयर है वो बाहर से हम अंदर ले पाते हैं। उसी प्रकार जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे कि जो कैविटी है थोरैक्स कैविटी जिसमें कि लंग्स है वो कम हो जाती है, और उसकी वजह से लंग्स सिकुड़ जाते हैं और जो एक्सेस एयर है वो बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार रेस्पिरेशन में डायफ्राम हेल्प करता है, इस प्रकार जो हमारी स्मूथ मसल्स हैं वो हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। इसी प्रकार डिफरेंट अदर ऑर्गन्स के कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करता है, ठीक है, जो स्पिंक्टर्स होती हैं जो कि यूरेथ्रा में और रेक्टम में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से एक्सक्रीशन हो पाता है, ठीक है, उसमें भी जो है स्मूथ मसल्स रहती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो हैं हमारी स्मूथ मसल्स हुई, जो कि इनवॉलेंट्री मसल्स या अनस्ट्राइटेड मसल या अनस्ट्रिप्टेड मसल्स कहलाती हैं, ठीक है। तो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट मसल टिश्यू एंड दैट इज कार्डियक मसल टिश्यू।